फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग, हाउ आर यू ऑल? होपफुली आप सभी अच्छे होंगे। सो वेलकम टू योर ओन चैनल द हम्बल गाय। आज इस वीडियो में हम देखेंगे एसबीआई क्लर्क या जूनियर सीट की सैलरी स्लिप। ये सैलरी स्लिप होगी एक एक्स सर्विसमैन सर की। तो जो एक्स सर्विसमैन है हमारे सारे, वो दे ऑल आर प्राइड ऑफ इंडिया, हमारे पूरे भारत का गौरव है और हम सभी को, आप सभी पर बहुत गर्व है। जिन्हें पता है ठीक, जिन्हें नहीं पता, फॉर देम एक्स सर्विसमैन आर दोज फॉर्चुनेट सन्स ऑफ सॉइल, भारत के वीर सपूत हैं जिन्होंने आर्मी, एयरफोर्स और नेवी में अपनी सेवाएं दी हैं। तो ये जो सैलरी होगी वो होगी अक्टूबर 2019 की, एंड ये जिनकी सैलरी है उन्होंने ज्वाइन किया था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 1 जनवरी 2019 को। There is a provision from Government of India that if an ex-serviceman joins certain jobs like banking jobs, insurance jobs and certain more jobs, जहाँ पर उनकी pay protection होती है। तो आइए देखते हैं इनकी monthly salary। Let's begin। यहाँ पर देखिए, ये जो pay slip है, जैसा कि आपको बताया गया, this pay slip is for the month of October 2019। ये इनके details हैं। Date of joining is 1/1/2019। ये इनकी leave balance है, PAN number, सब personal details हैं। DA 68.10% current में। ये इनकी basic pay हो गई। DNS allowance, house rent allowance, professional qualification allowance, transport allowance and special pay new allowance। थोड़ी सी जो जानकारी मिली है, देखिए अगर कोई SBI में है हमारे viewer, क्योंकि पिछले साल काफी सारे हमारे व्यूअर्स का एसबीआई में सिलेक्शन हुआ था, तो या तो वो एक्सेसमेंट की उस पे हुए हैं, या वैसे भी अगर आप इस वीडियो में आपको कोई त्रुटि लगे तो आप इसको जरूर कमेंट सेक्शन में यू कैन रेक्टिफाई इट। तो यहाँ पर जो हमें पता चला है कि स्पेशल पे जो ये नया शुरुआत करा है एसबीआई ने, ताकि एक थोड़ा सा एज देने के लिए एसबीआई के एम्प्लॉइज को दूसरे बैंकों के तुलना में। सो हियर द स्पेशल पे न्यू इज 330, बट यू नो एसबीआई में 6 महीने का, नॉर्मली बहुत सारे बैंक्स में 6 महीने की प्रोबेशन पीरियड होता है, एंड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ प्रोबेशन पीरियड आपको कंफर्मेशन मिलता है। ठीक है, तो ये कभी कभी कंफर्मेशन लेट भी मिलता है, जैसे इस केस में आप देखिए अक्टूबर हो गया है लेकिन ये स्टिल 330 है। ठीक है, कभी कभी थोड़ा सा डिले हो जाता है। तो जैसा कि जो हमें जानकारी है उसके अनुसार, जब ये कंफर्मेशन हो जाते हैं कोई भी, ठीक है, दिस इज एप्लीकेबल फॉर द एक्सर्विसमैन, जो एक्सर्विसमैन से आए हैं उनके लिए भी और जो नए आए हैं उनके लिए भी। तो वंस यू कंप्लीट योर कंफर्म, मतलब आप कंफर्म हो जाते हैं, तो तब आपकी जो ये 330 है, तो आई थिंक कल जो एक वीडियो बनाया था उसमें आप देख लीजिएगा, वो 1640 हो जाती है। ठीक है, और यहाँ पर कल वाली वीडियो में उसके लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, कल एक जूनियर एसोसिएट का हमने देखा था पे स्लिप, तो उसमें लोग पूछ रहे थे कि डी ए 68 सिर्फ बेसिक का है तो ये कितना कैसे हो गया। तो किन्हीं को जानकारी है तो बताइए, लेकिन हमें जो जानकारी है वो बेसिक पे प्लस स्पेशल पे न्यू, ये दो तो जुड़ता है, और इसमें कौन सा ऐसा जुड़ता है जो कि 68.10 करेंगे तो एग्जैक्ट इतना आ जाएगा 23,674। ठीक है, बाकी ये जो एच आर ए है वो सिटी सिटी थोड़ा वेरी करता है। ठीक है, कहीं पर 10%, कहीं पर 9%, कहीं पर, ठीक है, वो वेरी करता है। यहाँ पे देखिए, ये तो इनको क्रेडिट साइड हो गया। डेबिट साइड में देखिए, पीएफ कंट्रीब्यूशन 3,232, प्रोफेशनल टैक्स 200 रुपीज, ठीक है, ये सबके लिए है। हाउसिंग लोन, तो यहाँ पर ये देखने को मिल रहा है कि ये जो एक्सर्विसमैन है इन्होंने हाउसिंग लोन ले रखा है। ठीक है, और एक इन्फॉर्मेशन आपको दे दें, कल डिटेल्स में उसके बारे में बात करेंगे, कि वंस यू कंप्लीट टू ईयर्स, हाउ मेनी ईयर्स, टू ईयर्स, Once you complete 2 years, then you will be eligible for house loan. ठीक है, बहुत भारी रकम होती है वो house loan के लिए आप eligible हो जाएंगे। इसमें सबसे बड़ी बात है कि ये आपको simple interest पे मिलेगा। ठीक है, तो इसमें जो EMI है उसमें बहुत कमी आ जाती है। ठीक है, हालांकि आप पहले भी ले सकते हैं, लेकिन वो जो normal loan जैसे 8.3, 8.35 पे मिलता है, वो loan उस rate पे आपको लेना पड़ेगा। Here we can see that यहाँ पर जो ये ex-serviceman sir है, इन्होंने normal rate पे लिया है, लेकिन जैसे ही इनका 2 साल, यानी कि जनवरी 2021 से इन्हें वो कंसेशनल रेट में, स्टाफ रेट में उन्हें वो कन्वर्ट हो जाएगा। ये इन्होंने यहाँ पर और एक चीज देख लीजिए, वो भी आपको बता देते हैं, फेस्टिवल एडवांस। जैसे भी कोई त्यौहार आता है, चाहे वो दिवाली हो, ईद हो,
गुरु नानक पर्व हो, क्रिसमस हो, होली हो, कोई भी त्यौहार आता है चाहे वो राष्ट्रीय त्यौहार हो, उसमें आप फेस्टिवल एडवांस ले सकते हैं। फेस्टिवल एडवांस मतलब आपका ग्रॉस पे, तो यहाँ पर लगभग इनकी 60-62 आ रही है, तो इन्होंने क्या किया 60,000 फेस्टिवल एडवांस ले लिया। तो यू विल आस्क कि व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ फेस्टिवल एडवांस। फेस्टिवल एडवांस इज अ लोन फ्री मीन्स इंटरेस्ट फ्री एडवांस, यू नीड नॉट टू पे बैक द इंटरेस्ट। तो मीन्स हियर योर प्रिंसिपल इज 60,000 इन हिज केस, ठीक है। जो नए होंगे उनका 27, 28, जितनी भी सैलरी होगी वो ग्रॉस आप ले सकते हैं। एंड यू हैव टू पे बैक इन 10 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स 10 मंथ्स में, ठीक है। और फिर जब ये 10 खत्म हो गया आपका, फिर एक आप नया ले सकते हैं फेस्टिवल एडवांस। तो इन दिस केस 6,000 इनका डिडक्ट हो रहा है, बिकॉज इनकी ग्रॉस पे लगभग 60,000 है, ही हैज टेकन 60,000, सो 10 इक्वल इंस्टॉलमेंट मीन 6,000 पर मंथ डिडक्शन। यूनियन फीस, यस्टरडे वी हैव सीन दैट 100 वाज द यूनियन फीस, हियर इट इज 60, वो थोड़ा सा वेरी करता है 60, 80, 100। और कंट्रीब्यूशन पेंशन फंड, हियर इट इज 53585, दिस इज आई थिंक दिस इज बेसिक पे प्लस डी ए 10% ऑफ दिस, ठीक है। इफ यू एड दिस एंड 10% ऑफ दिस विल कम टू 5,315। नाउ लेट्स हैव अ लुक ऑन द ग्रॉस पेमेंट एंड हाउ मच इज द टेक होम पेमेंट, ठीक है। ये सारी चीजें क्लियर हो गई आपको, 2 ईयर्स के बाद जो लोन मिलेगा वो एक क्लियर हो गया, फेस्टिवल एडवांस के बारे में चीजें क्लियर हो गई। स्पेशल पे न्यू दिस इज ओनली अवेलेबल इन SBI, ठीक है, ये SBI ने अभी शुरू किया है। एंड एज फार एज स्पेशल अलाउंसेज कंसर्न, इट इज गिवन इन ऑल द बैंक्स, लेकिन SBI में वो ज्यादा है, ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब इनका देखिए वही सेकेंड पेज का फिर एक्सटेंशन लिया हमने, इनकी जब आप ये टोटल करेंगे जितना क्रेडिट साइड वाला टेबल है, तो इट विल कम टू 62,140.87 रुपीज़। और इसमें जब आप ये डिडक्शन सारा ऐड करके माइनस करेंगे तो इट विल कम टू 42,505 रुपीज़। तो इनका टेक होम कितना हो गया यहाँ, अगर आप देख सकें 19,636, ठीक है, इनका टेक होम हो गया 19,636 रुपीज़, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये क्लियर हो गया, और कुछ डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बेहिचक पूछ सकते हैं। इसके बाद देखिए इनका नेक्स्ट इंक्रीमेंट डेट दिया हुआ है, इंक्रीमेंट 3% ऑफ बेसिक, यू ऑल नो, ठीक है। और ये इनका टैक्सेशन का समरी दिया हुआ है यहाँ पर, मींस ग्रॉस सैलरी देन कंट्रीब्यूशन, ठीक है। 12 मंथ्स इनका जो कंट्रीब्यूशन है, ये देखिए ये 12 मंथ्स का दिया रहता है। यहाँ पे इनका कंट्रीब्यूशन कितना था कंट्रीब्यूटरी पेंशन फंड में, इट वॉज 5,358। इसको आप 12 से जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये इतना आएगा 63,719, ठीक है। तो ये दोनों को ऐड कर दिया यहाँ पर, स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 का है, ये तो आपको पता ही है। इसके बाद प्रोफेशनल टैक्स 200 दे रहे हैं, वो आपने देखा था फर्स्ट स्लाइड में, ये देखिए प्रोफेशनल टैक्स यहाँ पर ये 200 दे रहे हैं पर मंथ, 200 मीन्स इन ए ईयर इट इज 2,400, ठीक है, क्लियर। इसके बाद एग्जम्पशन में आ गया वो एग्रीगेट डिडक्शन, हाँ यहाँ पर क्या हुआ, स्टैंडर्ड डिडक्शन है 50,000 और ये 2,400 ये भी एग्जम्प्ट है, तो टोटल एग्जम्पशन कितना हो गया 52,400। तो अभी क्या करेंगे हम, वी विल सब्सट्रैक्ट 52,400 फ्रॉम 887,293, सो इट विल कम टू 834,893। हाउसिंग एंड अदर इनकम ये माइनस में है क्योंकि उन्होंने लोन ले रखा है, ठीक है। तो ये हो गया ग्रॉस टोटल इनकम इनका 634, ठीक है, माइनस कर दिया। और 2 लाख जो है ATCC का, तो इनका टोटल आप देख लीजिए, ये 63 भी यहाँ माइनस कर दिया एग्जम्पशन, ठीक है। ये यहाँ पर ऐड इन्होंने क्यों करा जब ये माइनस ही कर रहे हैं, ठीक है, किन्हीं को जानकारी है तो कैंडी शेयर कीजिए। टोटल इनकम इनकी 371,174 आ रही है, ठीक है। और ये इनका टैक्स ऑन टोटल इनकम आ रहा है, और ये टैक्स डिडक्शन लास्ट मंथ तक इतना ले चुकी है इनसे, और एग्जम्पशन ऑफ हाउस रेंट आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारी टीम मेंबर एक है टैक्स के जानकार, तो उनसे जब थोड़ी बहुत डिस्कशन करके इसके बारे में डिटेल्स में वीडियो लाएंगे। तो फ्रेंड्स होपफुली इस वीडियो में आपको जितने हमारे रिस्पेक्टेड एक्सेसमेंट सब्सक्राइबर्स हैं, व्यूअर्स हैं, जो इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोगों को थोड़ा आइडिया लग गया होगा कि अगर आप SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ज्वाइन करेंगे तो आपकी पेमेंट लगभग क्या होगी। और कल एक वीडियो लेके आएंगे जिसमें आपको थोड़े से और पर्क्स के बारे में, जैसे आर यू एलिजिबल फॉर दिस फ्यूल का कितना आपको मिलता है, कितने लीटर्स का पर मंथ, आर यू एलिजिबल फॉर एंटरटेनमेंट अलाउंस, आर यू एलिजिबल फॉर न्यूज़पेपर अलाउंस, आर यू एलिजिबल फॉर मोबाइल फोन अलाउंस, ठीक है, उसके बारे में भी हम कल के वीडियो में बात करेंगे।
और इसके बाद ESIC UDC के बारे में भी एक बार बात कर लेंगे। तो उससे जो एक्सेसमेंट सब्सक्राइबर्स और व्यूअर्स हैं, आपको एक फैसला लेने में कि ESIC UDC में भी आपका हो जाता है, स्टेट बैंक जे में भी हो गया है, तो कौन सा जॉब आपको ज्वाइन करना चाहिए जो आपका फाइनेंशियल और आपका फिजिकल मेंटल बैलेंस जो है एक आप करके डिसीजन ले सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो एज प्रॉमिस्ड कल हमने प्रॉमिस करा था 1-2 दिन के अंदर ये आपके सामने रखेंगे, तो आज हमें ये मिल गया और आपके सामने हमने रख दिया। कोई आपके डाउट्स हो सर तो आप बेहिचक पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, और बाकी जो हमारे व्यूअर्स हैं आपके भी कुछ डाउट्स हो तो आप भी पूछ सकते हैं। बस समय आ गया है आपसे विदा लेने का, तो दीजिए मुझे इजाजत, रखिए अपना, अपने परिवार, अपने देश का बहुत सारा ख्याल। मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार, गुड बाय एंड जय हिंद।